जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश और ऑसम वीडियो में देखेंगे बिहार का सबसे चौड़ा और शानदार निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे जैसा रोड का ग्राउंड रिपोर्ट के साथ लोकेशन और कई अपडेट्स भी। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में, मैं राकेश। चलिए वीडियो को अब तक देखते हैं। वैसे तो बिहार में कई सारे लंबे चौड़े एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा सड़क का निर्माण किया जा रहा है जो बिहार की राजधानी पटना को उत्तर बिहार के जिलों को सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं NH-22 को गांधी सेतु से हाजीपुर खंड का चौड़ीकरण का। पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट वीडियो देखें, फिर आपको एग्जैक्ट लोकेशन के साथ कई और तथ्य बताऊंगा। वीडियो शुरू होने से पहले एक तथ्य बता दूं, यह खंड जो है 12 लेन का होने वाला है। 12 लेन चौड़ा खंड होगा, जो बिहार में ऐसा कोई भी रोड अभी तक नहीं बना है। मैं गांधी सेतु के तरफ से हाजीपुर पासवान चौक की तरफ जा रहा हूं। देखिए, यहां पे गांधी सेतु जब थी तो 2 लेन का एक सड़क बना हुआ था जो पासवान चौक तक जाती थी। अब ये देखिए, इसको 8 लेन का विद सर्विस लेन इसको डेवलप किया जा रहा है। चौड़ाकरण पे काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। आशा है कि जब तक ये गांधी सेतु बनाया जाएगा, न्यू गांधी सेतु, तब तक इसका निर्माण भी हो सकेगा। देखिए कितना चौड़ा लंबा चौड़ा इसको बनाया जा रहा है। अगर आप 2-4-5 महीने के पहले अगर आप पटना आए होंगे तो आप देखे होंगे, लेकिन अगर उससे पहले आए होंगे तो नहीं, ये आपको देखने को नहीं मिला होगा। पूरा चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। यहाँ से लेके इसको पासवान चौक तक जोड़ा जाएगा, उसके बाद मुजफ्फरपुर और हाजीपुर को ये कनेक्ट करता है पासवान चौक। आपको बताते चलूँ, आप जो टूटे फूटे गड्ढे वाले सड़क देख रहे हैं, इसीलिए इसका मरम्मत नहीं किया गया है, क्योंकि इसको नए सिरे से इसको 8 लेन का बनाने का प्रस्ताव है। यहाँ पे 4 लेन गांधी सेतु और 4 लेन न्यू गांधी सेतु, उसके कनेक्टिविटी के लिए ये पासवान चौक तक एक एक्सप्रेसवे की तरह इसको बनाया जा रहा है। गंगा नदी के पास में होने के कारण यहाँ पे मिट्टीकरण के लिए बालू से इसके दोनों तरफ फिल किया जाएगा। कैसा लग रहा है आपको ये देखिए, यहाँ से आपको कुछ समझ में आने वाला है। ये देखिए, यहाँ से देखिए आप, बालू से इसको मिट्टी भराई का काम चालू है। इस रोड को एक्सटेंड चौड़ीकरण के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है, 2 लेन के लिए इधर, 2 लेन के लिए उधर। थोड़ा सा ऊँचा है, इसको सबसे पहले इसको ऊंचा किया जाएगा, इस रोड के लेवल तक लाया जाएगा, उसके बाद इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। इसको इतना ऊंचा बनाया जाएगा जो गांधी सेतु और न्यू गांधी सेतु के ऊंचाई तक लाया जाना है। गांधी सेतु टू पासवान चौक का ये है कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है। ये देखिए कितना नीचे है यहाँ पे, इसको भी भरा जाएगा। ये देखिए, यहाँ तक तो भराई का काम हो चुका है। यहाँ पे चौड़ीकरण के लिए सेपरेटर लगा दिया गया है। जब एक बार ये बन के तैयार होगा तो वाकई आपको पटना जाने का सफर लगेगा। विश्व स्तरीय रोड से पासवान चौक से हम पटना जा रहे हैं। वैसे भी पासवान चौक के आगे जो मुजफ्फरपुर वाला है वो भी कम वर्ल्ड क्लास रोड की तरह ही लगता है, और उस वो मुजफ्फरपुर NH-77 अब तो नया नामकरण हो गया है। ये देखिए, इस यहाँ पे जो फ्लाईओवर है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। तो ये कुछ वीडियो फुटेज था जो न्यू गांधी सेतु के साथ साथ ही इसको भी चौड़ा किया जाएगा। ये देखिए, ये न्यू गांधी सेतु वाले आगे जो
मैं बता रहा था, इसको अभी सर्विस लेन से ट्रैफिक के लिए खोला गया है। ऊपर देखिए चौड़ीकरण हो रहा है। ये देखिए ये गेट लेन का बन रहा है भाई साहब। आपको ट्रैफिक मूवमेंट दिख रहा होगा, रोड को घेर घार के चौड़ा किया जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं सोचा जो अगर मैं इतना अपडेट दिया ही हूँ तो इसका भी ग्राउंड रिपोर्ट आप लोग को दिया जाए। देखें जो भी आप पटना आने वाले हैं एक दो साल के बाद आएंगे तो आपको बदला बदला सा दिखेगा ये रोड। और अगर आप अगर नोएडा दिल्ली गए होंगे तो नोएडा से आते हुए ऐसे ही रोड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, बिल्कुल एक्सप्रेसवे की तरह बनाया जा रहा है इसको। वीडियो अच्छा से नहीं लेने के कारण मैं सर्विस लेन से आ रहा हूं। अगर उस तरह से पटना होते हुए अगर जाता तो मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखा पाता तो कितना चौड़ीकरण हो रहा है उस तरफ। देखिए ये लिखा हुआ है पटना के लिए यू टर्न लीजिए, लेकिन मेरे को पटना नहीं जाना है अभी। तो ये देखिए देखिए बालू सब यहाँ पे बनाया जा रहा है। देखिए कितना चौड़ा किया जा रहा है, आपको पूरा वीडियो में दिख रहा होगा। एट लेन का इसको बनाया, कन्वर्ट किया जा रहा है एट लेन में। पटना को सिग्नल फ्री करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जा रहा है, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं पटना का मैप। और इसी के तहत अटल पथ हो या पटना मरीन ड्राइव, इसका निर्माण किया गया है। इतना ही नहीं, गंगा पुल पे बहुत सारे ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, जैसे कि कच्ची दरगाह, बिदुपुर ब्रिज, गांधी सेतु, न्यू गांधी सेतु, जेपी सेतु और गंगा ब्रिज। ये गंगा ब्रिज प्रस्तावित है। और इसी कड़ी की लड़ी में एक और जो 15 किलोमीटर खंड, जिसका आपने ग्राउंड रिपोर्ट इस वीडियो में पहले देखा था, उसको सर्विस लेन के साथ 12 लेन का बनाया जा रहा है। आठ लेन मेन लेन रहेगा और 4 लेन सर्विस लेन। जो वो खंड है वो, ये आप अपने स्क्रीन पे जो मैप देख रहे हैं एग्जैक्टली वही खंड, यहाँ से महात्मा गांधी मारुति सुजुकी अरीना से पहले जो आप देख रहे हैं, कहने का मतलब है जो गांधी सेतु जहां ख़त्म होता है वहां से लेके और BSNL चौक हाजीपुर तक। साथ ही NH22 जो के अलावा 322 जहां पे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, इसको भी यह कनेक्ट करेगा और आसानी से सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान किया जाएगा। तो ये लोकेशन आपको दिखाना था, तो लोकेशन आपको दिखा चुका हूँ। जो ये लोकेशन है जो ब्लू लाइन का दिख रहा होगा आपको सिग्नल, और जिसपे NH22 जिसपे मार्किंग किया हुआ है, 22 लिखा है, यही इसी को चौड़ा किया जा रहा है। लगभग 15-17 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसको 12 लेन तक किया जाएगा। फिर आगे हाजीपुर BSNL चौक से लेके मुजफ्फरपुर तक एक 4 लेन कनेक्टिविटी है, ये वाला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसके साथ ही और मुजफ्फरपुर से दरभंगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही।